हेलो एवरीवन, मैं गुरपाल सिंह फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे रजिस्टर जो होता है वो सीरीज में लगा है या पैरेलल में लगा है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के बीच में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। सीबीएसई पैटर्न उठा लो या फिर आप पंजाब स्कूल के हिसाब से पैटर्न उठा लो, दोनों के बीच में आपको सीरीज और पैरेलल रजिस्टेंस के बारे में एक ना दो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो सीधा आपको डेफिनेशन आएगी या फिर आपको ये बोल दिया जाएगा कि इसके बीच में एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। ठीक है, तो हम वही थोड़ा सा फॉर्मूले देखेंगे, थोड़ा सा इनके पास जो आएगा डेरिवेट करके हमारे पास एग्जैक्टली, और एक आधा क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक आधा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो क्या है सीरीज? देखो, अब जो ये लगाया मैंने रजिस्टेंस, मतलब रजिस्टर हो गए, एक ही लाइन में लगातार लगे रहते हैं जिसमें कोई भी वायर में ज्वाइंट नहीं आएगा। ज्वाइंट जैसे कि एक ही वायर के साथ, जैसे यहां से वायर शुरू हुई, आया, रजिस्टेंस लगा दिया, उसी का सेकंड निकाला पॉइंट, दूसरी पॉइंट के साथ लगा दिया, ज्वाइंट कर दिया, फिर नेक्स्ट के साथ ज्वाइंट कर दिया लास्ट। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो यहां से लाइट गई, पास हो गई, यहां पे खत्म हुई, तो वैसी पास करके दूसरे वाले को स्टार्ट हुई, खत्म हुई, दूसरे वाले को पास कर गई, स्टार्ट हुई, खत्म हुई। ठीक है, यहां पे आपको मिल जाएगा। अब यहां से आप बैटरी को ऐसे करके अटैच कर दोगे, देन इट्स सर्कल विल बी कंप्लीटेड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पैरेलल के ऊपर। तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में है कि जैसे कोई ना कोई सिस्टम में वायर की ज्वाइंटिंग जरूर मिलेगी। वायर की ज्वाइंटिंग कैसे? जैसे यहां से एक वायर आ रही थी, फिर वो आगे तीन में डिवाइड हो गई, तीन लग गए, तीन के डिवाइड के बाद फिर से वो एक में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पे जो मैंने डॉट बहुत डार्क रखा है, मतलब यहां पे मेरी ज्वाइंटिंग हो रही है कि लाइट आई सिंगल वायर से, फिर डिवाइड हो गई थ्री वायर्स में, तीनों को वर्क करवाया, करवाने के बाद फिर से एक वायर में कन्वर्ट हो गए, सिंगली आगे जा रही है। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो अब हमें इनका रेजिस्टेंस एंड पैरेलल के ऊपर काम करना है। आपको पता ही है ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओम्स लॉ है। ठीक है, तो अब हमें रेजिस्टेंस के साथ चलना है। तो क्या होगा, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, या आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, V, अब मैं पहले आपको कौन सा कर रहा हूं, सीरीज वाला। ठीक है, सीरीज का कंसेप्ट उठा रहा हूं। सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज होगा V या पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V1 V2 V3 ये कहां से आया, जैसे ये सर्किट है, ठीक है, इसमें ये R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, यहां पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और यहां पे कुछ और होगा। दैट्स व्हाई वी मेकिंग V1 V2 V3, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो आगे तीन पार्ट में डिवाइड होगा, जितने वो रेजिस्टेंस हो गए उतने पार्ट्स में। यहां पे मैंने थ्री इन बनाया तो तीन ही में डिवाइड होगा, अगर मैं चार बनाता तो चार में डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो V इक्वल टू V1 V2 प्लस V3, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो इसके ऊपर वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया आई आर, ये आई आर वन, वन क्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो आई हमने यहां से कॉमन निकाल दिया, जब आई कॉमन निकला, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कैंसल हो गए, तो ये बन गया आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये हमारे पास जो आंसर आया, मतलब इक्वेशन जो बनी, ये रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाले कि रेजिस्टेंस सबका कितना होगा सीरीज स्ट्रक्चर में, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, सबको ऐड कर दोगे, जैसे ही आप सबको ऐड कर दोगे वो टोटल के इक्वल आ जाएगा। एक आपको न्यूमेरिकल करके दिखा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज का ही, कि ये लगा आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि है 4 ओम, फिर एक बल्ब लगा दिया, बल्ब कितने का लगा दिया, ऑलमोस्ट 20 ओम,
आया स्विच सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमने बैटरी यूज की, ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी देयर, जैसे स्विच भी इसमें होगा, एमीटर भी होगा, वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो हमें अभी यूज नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे आप बनाओगे तो पूरा बनाओगे, मैंने रफली हाफ बना दिया, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो। तो इन्होंने हमें बोल दिया था कि आपको टोटल रेजिस्टेंस बताओ, करंट बताओ, और साथ के साथ हर एक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर। जो टोटल वोल्टेज दे रखी है वो 6 वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज और रेजिस्टेंस मिल गया हमारे पास, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस टोटल। तो R1 कितना हो गया हमारे पास 20 ओम, ये R1 है 20 ओम बोल दिया, ये वाला बल्ब वाला मान लो, चलो। ये R2 कितना हो गया 4 ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे करना था, सबको ऐड करना था, तो R टोटल इक्वल टू, या यहाँ पे सीरीज लिख लो, S लिख लो, टोटल मत लिखना, S लिख लेना सीरीज वाला। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 20 प्लस 4 विल बी 24 ओम। तो आर एस इक्वल टू 24 ओम, एस का मतलब सीरीज, यहां पे कुछ और मत समझ जाना, एस का मतलब सीरीज, ठीक है। तो 24 ओम हमारे पास आ गया। अब हमें वोल्टेज बताना है, वोल्टेज के लिए फिर से ओम्स लॉ के ऊपर जा रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर, हमने आई निकालना है, करंट निकालना है, चलो यहां पे वी इक्वल टू आई आर, I निकालना है, तो ये V और R इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, V अपॉन R। तो टोटल वोल्टेज हमें कितना दे रखा है 6, स्ट्रक्चर में दे रखा है टोटल कितना है 6 है, तो 6 हमने लिख दिया अपॉन। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो कितना था 24, तो कटिंग वगैरह करके आपके पास आ जाएगा ये 0.25 करंट की यूनिट एम्पियर, ठीक है। तो करंट की यूनिट एम्पियर होगी, तो वो कर दिया। अब उन्होंने बोला था पर रेजिस्टेंस के हिसाब से, मतलब आपको वी वन भी बताना है और वी टू भी बताना है। तो वी वन का फॉर्मूला वही था, वी वन इक्वल टू आई अपॉन आर वन, वी टू इक्वल टू आई इंटू आर टू, अपॉन नहीं इंटू दोनों में, ठीक है। तो आई कितना था 0.25, आर वन, आर वन हमने कितना लिया था यहां पे 20, तो इंटू कर दो 20 के साथ। सिमिलरली यहां 0.25 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो उसकी यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी नहीं था, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था उनका कि सीरीज आपको दो स्ट्रक्चर दे रखी हैं 4 ओम और 20 ओम, और बैटरी दे रखी है 6। तो उन्होंने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, करंट निकाल दो, करंट के बाद पर रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो हमने निकाला, आर सीरीज में लिया, आर वन प्लस आर टू क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सीरीज का था, प्लस करके 24 कर दिया। फिर हमें क्या बोला था उसने, करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ ये होता है वी इक्वल टू आई आर, तो आई निकालना था वी अपॉन आर, वी हमें दिया था 6 और आर दिया था 24, कैंसलिंग करके 0.24। फिर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के ऊपर वी वन इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और वी टू इक्वल फाइंड करना है, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, वी वन इक्वल टू आई इंटू आर वन, 0.25 इंटू 20 इक्वल टू 5, 0.25 इंटू 4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वोल्टेज का साइन V होगा। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो था हमारा पैरलर का कंसेप्ट। तो पैरलर में क्या था, ठीक है, पैरलर में क्या था हमारे पास कि कोई भी मटेरियल है ज्वाइंटिंग में ज्वाइंट लगा होगा, जैसे यहां पे एक ज्वाइंट था, ये ऊपर गया, ये सीधा गया, और ये यहां गया, ये लग गया यहां पे हो गया, और एक यहां पे हो गया। तो ये जैसे एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बैटरी के साथ, ठीक है। तो जैसे एक वायर के साथ करंट जा रहा है, फिर वो आगे तीन में स्प्लिटिंग हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद फिर से वो एक वायर में कन्वर्ट हो गया, आपके पास बैटरी के पास पहुंच चुका। ये था पैरलर। अब इसके लिए भी हमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा।
ओम्स लॉ जैसे हमें पता ही है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर पैरलर। करंट निकालने के लिए हमें हर एक में कितना करंट जा रहा है, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड होगा, तो क्या होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर पी। आर पी कैसे निकलेगा, हमें पता है आई इक्वल टू आई वन पहले में कितना और दूसरे में कितना, ये सब, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, और ये पैरलर का, तो आई के साथ आर पी लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वी कॉमन निकाल लो, वी इक्वल वी वन अपॉन आर पी, ठीक है, फिर v, चलो ये मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये इक्वल टू हो गया ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कैंसिल हो गया, तो 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब इन्होंने बोल दिया कि आपको कैलकुलेट करना है, हमारे पास यहां पे जो रेजिस्टेंस है, मैं यही स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या क्या बोले, 5, 10 और 30, ये बोल दिया, ये 5 है, ये 10 है और ये 30 है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है इसका टोटली रेजिस्टेंस। तो मैंने यहां पे वैल्यू पुट करी, आर कितना है 5 और 10 और 30, ये 10 और ये 30, ये हमारे पास 1/rp आएगा। देखो यहां पे मैंने जो वैल्यू पुट करी है 5, 10 और 30, आप डायरेक्टली नहीं प्लस माइनस करोगे, यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लो 5 का 10 का 30 का, जो एलसीएम आएगा फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो जैसे यहां पे मैं एक एलसीएम लेके दिखा रहा हूं, 30 10 और 5, 3 10 30 नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, फिर 2 5 10 5 का 5 का फिर 5 1 फिर 1 10 and 10 और 3 30, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 30। इसको इसके साथ डिवाइड करना है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये था हमारा 1.5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है, ये 1/rp था और 1/rp कितना आया हमारे पास 30, तो 30 को 5 के साथ डिवाइड, तो कितना होगा, 5 के साथ डिवाइड करो तो 6 5 30 6, अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस, देन यहां पे डिवाइड किया तो 3 ऊपर 3 प्लस, और यहां पे कैलकुलेट किया तो 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 कितना आया 10/30, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गए, कितना आया 1/3, तो 1/rp इक्वल टू 1/3। अब यहां पे सीधा ये नहीं आएगा आपका, इसको आपको घुमाना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये rp की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, अगर मेरा अपॉन में होता तो जैसे यहां पे अगर सपोज कर लो मेरा आंसर यहां पे 4/3 आता, तो मेरा आरपी कितना होता, 3/4 ये होता। ठीक है, यहां पे 1 था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर होता कोई वर्ड तो नीचे आता। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, करंट, करंट थ्रू हर एक रेजिस्टेंस के हिसाब से, आई वन इक्वल टू वी अपॉन आर वन। अब हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है टोटल कितना, 12 बैटरी उन्होंने दे रखी थी 12 की, तो आई वन इक्वल टू 12, आर वन हमारे पास 5 था तो 2, देन यहां पे आ जाएगा 20, देन 4 ये करंट। ठीक है भाई, आई वन हमारा ये आ गया, ठीक है 2.4। फिर हमने आई टू निकाला, वी अपॉन आर टू, वोल्टेज कितना 12, रेजिस्टेंस कितना था 10 1/1.2, ठीक है, आर थ्री निकाला, वी अपॉन आर थ्री, ये कितना था 12 और 3 30, ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 3/4 12, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 एम्पीयर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हर एक का करंट आ गया। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि आपके पास टोटल करंट सर्किट में कितना है, तो क्या करना पड़ेगा,
आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, सबको प्लस कर दो, कितना कितना 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना होगा, 4 4 8 9 10, 1 पॉइंट लग गया, तो 2 3 और 1 4 4.0 और इट मीन डेट 4, 4 क्या था एम्पियर में, तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया। ठीक है, फिर से बता रहा हूं इसमें क्या था, पैरेलल में क्या था, तीनों जॉइंटिंग में होगा, रेजिस्टेंस लगे होंगे जॉइंट्स में, ठीक है, उसमें क्या होगा करंट फाइंड करने के लिए I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R लिख दिया था, V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड R3, V को कॉमन निकाल लिया दोनों तरफ कटिंग करके, 1 अपॉन आर पी हो गया, जो कि R मतलब पैरलर, ठीक है, P मतलब पैरलर होगा, R आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो टोटल 1 2 3, मतलब ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो अब उन्होंने यहां पे बोल दिया था कि बैटरी आपकी 12 वोल्टेज है, तो कैलकुलेट करो टोटल करंट और हर एक पे कितना आ रहा था। तो यहां पे मैंने यहां पे सर क्या करना था, 1 पॉन पी मतलब पैरलर के हिसाब से आर वन कितना था 5 10 और 30, ठीक है, फिर मैंने 5 10 30 के बाद इनका एलसीएम लिया जो कि 30 आया, फिर एलसीएम लेने के बाद इनका जो आंसर था वो 1.3 था, तो 1/3 मतलब 1/RP इक्वल टू 1.3, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो कर दिया 1/RP इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर उन्होंने बोला था कि करंट बताओ हर एक फैक्टर में कितना है, तो I इक्वल टू V/R, वोल्टेज हमें पता था 12 है, R हमें पता था 5, कैंसिलिंग करके आंसर, सिमिलरली सेकंड, सिमिलरली थर्ड। फिर उन्होंने बोला था कि टोटल करंट कितना है, I हमारे पास 2.4 था, फिर 1.2 था और 0.4 था, वैल्यू किया, आंसर निकाला और प्रेजेंट कर दिया एम्पियर, यूनिट जरूर लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बार बार कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन आते रहते हैं हर ईयर में।